Hello and welcome to Wordlist 41. In this wordlist there are 10 words, and today we are going to learn about these 10 words. These words are adverse, avenge, conciliatory, devious, exalt, implement, mandate, phlegmatic, resolve, validate. The first word is adverse, means antagonistic, unfavorable, dangerous, nuksandeh, ya jo aapke favor mein na ho, jo aapke fayde mein na ho. Means iska aapko nuksan ho. Because of adverse conditions, the hikers decided to give up trying to climb the mountain. Kyunki jo climate tha ya jo weather tha, wo bahut zyada kharab ho raha tha aur unke liye nuksandeh tha jo wahan ki condition thi. To hikers ne decide kiya tha ki wo jo hai wo mountain climb nahi karenge. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो माउंटेन क्लाइंबर्स या हाइकर्स हैं और जो है वो मतलब लाइक काफ़ी यू नो स्टॉर्म है, स्नो स्टॉर्म है. सो मे बी दे आर लाइक यू नो दे कैन डिसाइड कि अच्छा वो अब ये काम छोड़ दें क्योंकि ये उनके लिए फेवरेबल नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज एवेंज, मीन्स टू सीक रिवेंज, किसी से बदला लेना. लारा डिस्ट्रॉयड लूसीज क्रेडिट कार्ड एज एन एवेंज फॉर द मिल्क स्पेल्ड ऑन हर फेवरेट ड्रेस. मीन्स उसके ड्रेस पे, उसका फेवरेट जो ड्रेस था उस पर जो है वो लूसी ने दूध गिरा दिया, मिल्क गिरा दिया, तो जो लारा थी उसने उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रॉय कर रही है एज अ थिंग कि वो जो है वो उससे बदला ले रही है. नेक्स्ट वर्ड इज कंसिलिएटरी, मीन्स फ्रेंडली, एग्रीएबल, दोस्ताना. आई टुक अमांडाज इन्विटेशन टू डिनर एज अ वेरी कंसिलिएटरी जेस्टर. जो अमांडा ने मुझे इन्विटेशन दिया था डिनर पे, तो मैंने उसको जो है मुझे वो बहुत एक फ्रेंडली और दोस्ताना जो है वो एक उसका अमल लगा. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि इन्विटेशन है डिनर की, उसका कार्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज डीवियस, मीन्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसीटफुल, झूठ बोलना. Not wanting to be punished, the devious girl blamed the broken vase on her friend. Means कि जो वो चाह रही थी कि उसको पनिशमेंट ना मिले, तो उसने जो है ये इल्ज़ाम जो है वो अपनी दोस्त पे लगा दिया कि उसने झूठ बोला कि जो वाज है वो उसने नहीं तोड़ा, उसकी फ्रेंड ने तोड़ा है. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दो गर्ल्स हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ फिंगर से जो है वो लाइक यू कैन से पॉइंट कर रही हैं कि मे बी कि वो ये बताना चाह रही हैं कि मैंने नहीं, इसने किया है ये काम. नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉल्ट, मीन्स टू ग्लोरीफाई, प्रेज, तारीफ करना किसी की, किसी को बहुत जो है वो जो बढ़ाना. माइकल जॉर्डन इज़ अ फिगर इन बास्केटबॉल वी एग्जॉल्ट द मोस्ट. माइकल जॉर्डन जो है ये ऐसा फिगर है हमारे पास बास्केटबॉल में कि इसको हम बहुत एडमायर करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं लोग इसकी, या सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाइड जो है वो पर्सन है ये. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा होके लाइक खुशी से जो है वो चीयर कर रहा है और वो मे बी उसकी तारीफ कर रहा है जो भी प्लेयर है. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीमेंट, मीन्स टू पुट इन टू अफेक्ट टू इंस्टीट्यूट, किसी चीज़ को जो है वो काम में लेके आना. द मेयर रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी टू यूज सिक्योरिटी कैमरा टू कैच परपीट्रेटर्स इन द एक्ट. तो मेयर ने जो है ये एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया था, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, मीन्स उसको असर में लाया था कि अब सब जो है वो सिक्योरिटी कैमराज जो है वो जो अपने घर में इंस्टॉल कराएंगे. तो पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है वो सिक्योरिटी कैमरे को इंस्टॉल कर रहा है. वर्ड इज मैंडेट, मींस एन अथॉरिटेटिव कमांड, कोई हुक्म. द लॉ मैंडेट्स दैट एवरी कार हैव सीट बेल्ट. तो लॉ जो है वो ये हुक्म देता है कि हर कार में जो है वो सीट बेल्ट होने चाहिए. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि कार है, उसमें लड़की बैठी हुई है और वो जो है वो अपना सीट बेल्ट बांध रही है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेगमैटिक, मीन्स अनइंटरेस्टेड, अनरिस्पॉन्सिव, सुस्त. वो इंसान जो रिस्पॉन्स ना दे, वो लाइक बींग जो रिस्पॉन्स ना दे, जिसको इंटरेस्ट ना हो किसी चीज़ में. मोनिक फियर्ड हर डॉग वाज इल आफ्टर द एनिमल्स फ्लेगमैटिक रिस्पॉन्स टू हिज फेवरेट चू टॉय. मीन्स मोनिक ने जब अपने अपने डॉग को जो है वो अपना उसका फेवरेट चू टॉय दिखाया और वो जो डॉग था उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था आगे से, वो सुस्त सा बिल्कुल बैठा हुआ था, तो मोनिक को लगा हुआ कि अच्छा ये जो उसका डॉग है उसको शायद फीवर है. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि अनइंटरेस्टेड सा डॉग है जो काफ़ी सुस्त है और वो बैठा हुआ है आराम से. नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉल्व, मीन्स टू फाइंड अ सोल्यूशन, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना. जॉन एंड पिल रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस एंड शुक हैंड्स. जॉन और पिल ने जो है वो अपने जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, जो भी उनके इख्तलाफात थे, वो उनने रिजॉल्व किए, उसका सोल्यूशन निकाला, उसका जो है कोई भी एक हल निकाला, और उसके बाद जो है वो दे शुक देयर हैंड्स. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि जो है वो एक लड़का और एक लड़की है, वो अपने हैंड्स शेक कर रहे हैं, मीन्स कि उनने जो अपना जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर लिया.
रिजॉल्व कर लिया। तो एक और मीनिंग है रिजॉल्व का, टू फॉर्मली डिसाइड। लेडी मैकबेथ रिजॉल्व टू विप हर हस्बैंड इनटू शेप, मींस कि लेडी मैकबेथ ने जो है वो एक फर्म डिसीजन ले लिया था कि मैं ये काम करूंगी। नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडेट, मीन्स टू कन्फर्म, सपोर्ट, कोरोबरेट, कि आप जो है वो कन्फर्म करना कि हाँ ये सही है, या उस चीज़ को सपोर्ट करना। यूको's chemistry lab partner was asleep during the experiment and could not validate the accuracy of her methods. मीन यूको के जो chemistry lab partner था वो सो गया था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और डेफिनेटली बाद में जो है वो उसको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या वो कन्फर्म नहीं कर पा रहा था कि यूको ने जो है वो सही मेथड यूज़ किया है या नहीं। पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है वो सोया हुआ है, और डेफिनेटली अगर उसके स्टूडेंट्स हैं और वो कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सो ही इज़ अनएबल टू टेल कि वो सही उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं परफॉर्म किया, मीन्स कि वो उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकता, वो कन्फर्म ही नहीं कर सकता। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।